मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे YouTube से या कोई और सोशल मीडिया से ट्यूटोरियल देखकर हम बांसुरी या और कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे सीख सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके आसपास में कोई गुरु अवेलेबल नहीं है, कोई रिमोट एरिया में रहते हैं, कोई विदेश में रहते हैं, तो आसपास में कोई सिखाने वाला नहीं मिलता है। तो YouTube में या कोई और जगह पे वीडियो देख के सीखना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। वीडियो से सीखने की क्या विधि है, किस तरह से हम वीडियो देखकर YouTube देखकर सीख सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करें। तो सबसे पहली टिप यह है कि जो भी बंदिश, राग या कोई भी आलाप या कोई भी गीत अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले तो पूरा जो वीडियो है उसको 10 बार सुन लीजिए, कम से कम 10 बार सुन लीजिए। हो सके तो उससे ज़्यादा भी आप सुन सकते हैं, लेकिन कुछ गाने की या बजाने की कोशिश किए बगैर सिर्फ 10-20 बार सिर्फ सुन लीजिए। सुनने के बाद जब उसके बाद आप फिर वीडियो शुरू करें तो जो वीडियो में जो स्केल का इंस्ट्रूमेंट है या बांसुरी है या और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसी स्केल की बांसुरी या और भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो वो उसी सेम स्केल का लीजिए, तो उसके साथ साथ बजाने में आपको बहुत ईजी रहेगा। अगर मेरे ट्यूटोरियल से अगर आप सीख रहे हैं तो आपके पास ए शार्प यानी बी फ्लैट, हिंदी में हम कहें तो काली पांच की एक बांसुरी रखी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है कि आप काली पांच की बांसुरी में ही क्यों ट्यूटोरियल देते हैं, तो इसका जवाब यह है, मैं जो भी बांसुरी पे बजाता हूँ उसी को उसी नोट के साथ उसी स्केल में गा के भी समझाता हूँ, तो गा के समझने में स्टूडेंट को बहुत ईजी रहता है। और जो गला मेरा है वो ए शार्प यानी काली पांच को बहुत सूट करता है, ज़्यादातर लेडीज काली पांच में ही गाती है। और जिन मेल यानी पुरुष के आवाज़ बेस वाले होते हैं वो भी काली पांच में अच्छे से गा सकते हैं। तो अगर काली पांच से थोड़ा ऊपर का सुर यानी सी शार्प डी शार्प ई ये नोट मैंने लिया काली एक काली दो तो मुझे बहुत ऊंचा पड़ेगा गाने के लिए। और अगर काली पांच से नीचे का सुर यानी काली चार काली तीन एफ शार्प जी शार्प लिया तो वो भी मुझे बहुत नीचा पड़ेगा, अच्छे से गा नहीं पाएंगे। तो मैं ठीक से गा पाऊँ और साथ साथ गाने के साथ साथ समझा पाऊँ इसके लिए मैं ए शार्प यानी काली पांच की ही फ्लूट पे गा और बजा कर ट्यूटोरियल समझा रहा हूँ। इसलिए अगर आप मेरे ट्यूटोरियल से सीखना चाहते हैं तो एक काली पांच की फ्लूट अपने पास रखिए, अगर नहीं है तो एक परचेस कर लीजिए। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे बांसुरी बनाने वाले मिल जाएंगे आपको, तो अच्छी सी बांसुरी आप एक ले सकते हैं ए शार्प की यानी काली पांच की और मेरे ट्यूटोरियल के सामने बैठ के आप सीख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसके लिए सीखने के लिए, आप कोई भी बंदिश राग की पकड़ें तो उसकी सिर्फ पहली लाइन 10-20 बार सुन के सिर्फ पहली लाइन को और फिर पहली लाइन को 50 बार बजाएं। अगर 50 बार बजाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो 50 बार बजाने का भी वो अलग अलग स्पीड में, नॉर्मल स्पीड, धीमी स्पीड और एकदम फास्ट स्पीड में भी बजा लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर सेकंड लाइन पकड़िए, फिर सेकंड लाइन को भी आप 50 बार बजा लीजिए, वो भी धीमी स्पीड में, फास्ट स्पीड में और अति फास्ट स्पीड में बजाइए। उसके बाद पहली और दूसरी लाइन दोनों एक साथ बजाइए 1 by 1, तो आपको क्या है कंठस्थ भी हो जाएगी, याद भी रह जाएगी और आप इजीली बजा पाएंगे। अगर किसी बंदिश की पहली या दूसरी लाइन में तान है यानी कि फास्ट लय में कुछ फ्रेजिस है तो उसको फास्ट बजाने के लिए हाफ लाइन बजाइए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरी लाइन बजाइए। अगर आप हाफ लाइन भी बजाएंगे, देखिए अगर यमन की बंदिश है गम दम सानी तक मद पम करेगा तो अगर ये लाइन आपको सीखनी है तो पहले हाफ लाइन ही लीजिए, आधी लाइन गम दम सानी तक मद पम करेगा फिर दूसरा हाफ लीजिए मद प म ग रे ग
सारी दा पा मा दा पा मा ग रे, ये हाफ लाइन है, बार बार बजाइए तो वो स्थान वाली लाइन है तो अच्छे से बैठ जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी हाफ लाइन लीजिए, तो कभी कभी जरूरत पड़े अगर तान वाली लाइन है तो हाफ हाफ लाइन को भी आप 10 20 25 50 बार बजा के उसको पक्का कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हाफ लीजिए, उसके बाद पूरी लाइन लीजिए, उसके बाद दूसरी लाइन लीजिए, और उसके बाद पहली और दूसरी दोनों लाइन एक साथ लीजिए, पहली और दूसरी लाइन एक साथ बारी बारी में कम से कम 50 बार बजा लीजिए। ये देखिए संगीत है, रियाज का सब्जेक्ट है, कोई भी लाइन कोई भी बंदिश आप पकड़े तो उसको आपको आप गहन रियाज करना पड़ेगा। तो 50-100 बार तो बजाना है एकदम बहुत ही मामूली है और बहुत ही बेसिक है। उसके बाद तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि 5000 बार बजानी पड़ेगी, लेकिन वो बात की बात है। अभी आप सीखने के लिए कम से कम 25-50 बार एक एक लाइन या फिर दो लाइन आ गई तो दोनों लाइन एक साथ बजा लीजिए। उसके बाद आप अंतरे पे आइए, अंतरे की पहली लाइन 10-20-50 बार बजा लीजिए। अगर उसको स्लो स्पीड में बजाइए, फास्ट स्पीड में बढ़ाइए और एकदम फास्ट स्पीड में भी बजाइए। और अगर अंतरे की लाइन में भी कहीं भी कोई तान है तो पहले हाफ हाफ लाइन बजा लीजिए, उसके बाद अंतरे की सेकंड लाइन को 50 बार बजा लीजिए, फिर अंतरे की पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों को 50-50 बार बजाइए कंटिन्यू वन बाय वन। उसके बाद स्थाई अंतरों की चार लाइन एक साथ 50 बार बजा लीजिए। फिर बंदिश का कंपोजिशन कैसे बनता है ये सुनिए। जब कोई भी बंदिश हम पूरी कहीं परफॉर्म करने के लिए भी बजाते हैं तो स्थाई की पहली लाइन दो बार बजाते हैं, फिर स्थाई की दूसरी लाइन वो एक बार बजाते हैं, फिर स्थाई की पहली लाइन फिर से आ जाएगी एक बार बजा के, फिर अंतरे की लाइन शुरू करेंगे और अंतरे की पहली लाइन दो बार बजाएंगे, और फिर अंतरे की दूसरी लाइन एक बार बजाकर या कभी ऐसी लाइन हो तो दूसरी बार भी बजाकर फिर मुखड़े पे यानी पहली लाइन स्थाई की पहली लाइन पाएंगे। तो इस तरह से पूरा कंपोजिशन होता है। जब आप ऑनलाइन सीख रहे हैं यूट्यूब से या और कोई सोशल मीडिया से या कोई भी वीडियो से ट्यूटोरियल से, तो आपको एक एक वीडियो हर एक वीडियो की एक एक लाइन 10 20 बार 50 बार सामने बैठ के आमने सामने बैठ के सेम स्केल की फ्लूट लेके बजाना चाहिए। अब कई लोग मुझे ये भी प्रश्न करते हैं कि जब हम कहीं परफॉर्मेंस देते हैं तो उसमें हमारे परफॉर्मेंस का पूरा कंपोजिशन क्या होना चाहिए, इस तरह से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ताकि हम कम से कम 20-25 मिनट आधा घंटा या एक घंटे का परफॉर्मेंस दे सकें। तो उसके लिए आप सबसे पहले सुन लीजिए। सबसे पहले तो एकदम सिंपल मीटरलेस आलाप होते हैं, बिना ताल का सिंपल इजी आलाप होता है। अगर आप आलाप थोड़ा लंबा चलाना चाहते हैं तो उसके बाद जोड़ के आलाप यानी बीट के साथ माइंड में ताल चलेगा और जोड़ के आलाप चलेंगे। उसके बाद अगर चाहें तो आप झाला वाले आलाप भी ले सकते हैं। जब आप मीटरलेस आलाप लें तो उसके अंदर आप अलंकारिक नोट्स का यूज फ्रेजिस का यूज कर सकते हैं, मेरुखंडीय नोट्स का यूज भी कर सकते हैं, कभी किसी कोई बंदिश की आधी लाइन का भी आलाप के अंदर स्लोली स्लोली बजा के यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आलाप को डेवलप करके आगे आगे बढ़ा सकते हैं। 10-15 मिनट का आलाप अगर आप इजी से बजा पाएंगे तो उसके बाद आप जाएंगे मेन बंदिश पे। मेन बंदिश के अंदर जो पहली लाइन और दूसरी लाइन स्थाई की होती है वो स्थाई बजा लीजिए। कभी कभी स्थाई और अंतरा वन बाय वन बजाने के बाद हम स्थाई के आलाप पे आते हैं, तो स्थाई के आलाप लेते हैं तो स्थाई के आलाप लेके फिर मुखड़ा पकड़ना होता है। तो एक या दो आवर्तन की आलाप ले लीजिए, फिर मुखड़ा पकड़ लीजिए, फिर एक दो आवर्तन का आलाप लीजिए, फिर मुखड़ा पकड़ लीजिए। तो जब ताल के साथ अब ताल शुरू हो चुका है, ताल शुरू करने के बाद जब आप बंदिश बजाएं, बंदिश पूरी बजा लेने के बाद स्थाई के आलाप होते हैं, स्थाई के आलाप के बाद स्थाई की तान होती है। स्थाई की तान हो जाने के बाद अंतरे की पहली लाइन लेते हैं और अंतरे की पहली लाइन के ऊपर के सा के ऊपर आप होल्ड करके वहाँ पे कुछ आलाप कर सकते हैं। तो फिर अंतरे के आलाप होते हैं, फिर कुछ अंतरे की ताने होती है, फिर आप फास्ट तान लेके फिर मुखड़े पे आ सकते हैं, तिहाई लेके भी मुखड़े पे आ सकते हैं, तो फिर स्थाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ी लय बढ़ा सकते हैं, लय बढ़ा के फिर यही बंदिश और थोड़ी यही ताने फिर से बजा सकते हैं, कुछ नई तान भी ऐड कर सकते हैं, और फिर आप झाला के साथ चक्रधार तिहाई के साथ अपना समापन कर सकते हैं। और अगर उसके बाद चाहे तो कोई अत्यंत द्रुत लय वाली कोई बंदिश या कोई तराना भी ले सकते हैं, बजा सकते हैं।
तो ये पूरा कंपोजिशन है, आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बजाएंगे तो आप आधा घंटे का कोई राग के ऊपर आधारित परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दूसरा एक टिप मैं ये देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को सिर्फ फिल्मी गीत में या गजल में या भजन में ही इंटरेस्ट होता है। अगर आपको यही बात है कि फिल्मी गाने ही बजाने हैं, तो भी मेरा सजेशन ये है कि कोई इजी इजी जो राग है, जैसे भूपाली है, यमन है, दुर्गा ध्वनि, तो इस तरह के राग आप जरूर से सीखिए, राग की कुछ बंदिशें सीखिए और थोड़ा सा आलाप और थोड़ी ताने सीखिए, तो फिर आप जो भी गाने बजाएंगे उसमें भी आपको अपने आप स्वीटनेस आती हुई दिखेगी। कुछ लोग आपने देखा होगा कि जब गाने बजाते हैं तो एकदम फ्लैट जैसे लगते हैं, बिगिनर जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें वो जो स्वीटनेस चाहिए वो नहीं आती है। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, जो स्वीटनेस के मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी दिए हैं, गमक मीन खटका मुट्ठी वगैरह वगैरह उसमें ऐड करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी है कि आप जो भी राग का गाना बजा रहे हैं, फिर भी गाना बजा रहे हैं, अगर उस राग का आपको नॉलेज नहीं है, उस राग का कंपोजिशन मालूम नहीं है, फ्रेजेस याद नहीं है किस तरह से होता है, तो आप वहाँ पे कुछ गलती कर सकते हैं। तो अगर आपको उसी राग का थोड़ा सा नॉलेज है, एक दो बंदिश आपको बजानी आती है, थोड़ी तान आला बजाना आता है, तो आप उसी राग का कोई गीत बहुत अच्छी तरह से बजा सकते हैं, उसमें हरकत भी ला सकते हैं, स्वीटनेस ला सकते हैं। तो मेरा आप सबको सजेशन है कि आप क्लासिकल राग भले स्लोली स्लोली सीखिए, महीने में, दो महीने में, तीन महीने में एक राग सीखिए, आराम से एक ही बंदी सीखिए, लेकिन सीखना जरूरी है। ज़्यादातर गाने भी राग के ऊपर आधारित होते हैं, ज़्यादातर भजन गज़ल वो भी सब राग के ऊपर आधारित होते हैं, तो राग का थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर आपके पास आ गया तो आपका बजाना और भी निखर जाएगा। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि रागों पर आधारित ही ट्यूटोरियल देता हूँ। बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई है कि फिल्मी गानों पे आप ट्यूटोरियल बनाइए, मैं कोशिश करूँगा, बना सकता हूँ, बना चुका हूँ कभी कभी, लेकिन मैं ज़्यादातर क्लासिकल को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि क्लासिकल सीखने के बाद ही आप चाहें तो गाने, भजन, गज़ल कुछ भी बजाए इजीली बजा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप गाना ही बजाना चाहते हैं तो भी गाना ही बजाइए, लेकिन कभी कभार एक दो बंदिश क्लासिकल भी सीखते रहिए, उससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, कुछ नई चीज़ करने का आनंद आएगा, आपका क्रिएटिविटी है डेवलप होगा, और आप अंदर से खुद से भी कुछ नई ताने नया आलाप निकाल के अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। संगीत एक डिवाइन चीज़ है, आपको ऊपर वाले के साथ तार जुड़ा देती है, तो आँख बंद करके आप इजीली आरंभ आलाप बजाएंगे किसी भी राग का, तो आपको 100% मेडिटेशन का अनुभव होगा, ये मेरा दावा है, मेरा अनुभव भी है। तो आपको हैप्पी लर्निंग। जिन लोगों के पास गुरु अवेलेबल नहीं है, बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए यूट्यूब का वीडियो या फिर और भी कहीं जगह से कोई भी ट्यूटोरियल मिल जाए तो बहुत आशीर्वाद रूप होते हैं। उसी ग्राउंड पे मैं ये सारे ट्यूटोरियल बना के दे रहा हूँ, ताकि जो लोग मुझे कम से कम 10,000 लोगों मेरे पास से ये सीख रहे हैं सब कुछ। कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ के मैसेजेस भी आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि लोग बहुत रिमोट एरिया में, दूर दराज के एरिया में रह के भी यूट्यूब को देख के सीख रहे हैं, और उनको सीखते हुए देखकर मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं ये ट्यूटोरियल बनाता हूँ। अदरवाइज़ मेरा काम बजाना है, ट्यूटोरियल देना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं इससे, उसको उससे मुझे बहुत आनंद और मिल रहा है। इसके लिए मैं सबको ये क्लासिकल के ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगा कि बहुत सारे राग के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मैं आपको दे सकूँ। मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे ये बताए हुए रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे तो अवश्य आप अच्छे संगीतकार बन पाएंगे, ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास भी है। और अभी तक के जो भी मैंने ट्यूटोरियल्स दिए हैं वो सब बिगिनर्स को उठाने के लिए, या एकदम बेसिक बंदिशिस, उसका साई अंतरा या कुछ थोड़ी 3-4-10 बार ताने दिए हैं। अब के बाद जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कुछ संगीत की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए, या जो लोग स्टेज पर परफॉर्म करना चाहते हैं क्लासिकल, उनके लिए एडवांस लेवल के भी मैं ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहा हूँ। तो मुझे देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सारे लोगों के बहुत कमेंट्स मिले हैं, बहुत लोग सीखते हैं, वो देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे